आपको पूछना है क्लोनिस टेम्पल्स के बारे में। देखिए क्लोनिस टेम्पल, आपने यहाँ पर इसके पहले हिलिंग्रा स्कूल का यूज पढ़ा है? इस वाले रूम का यूज, हिलिंग्रा स्कूल का यूज, ठीक है। ये क्या करता है, आसपास का जो कलर रहता है उसको सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन क्लोनिस टेम्पल इसके ही जैसा रहता है, बस इसमें क्या अंतर है कि ये जो है आसपास का कलर सिलेक्ट नहीं करता, यानी जो भी कलर है वो उसको ही लेता है। जैसे कि हमें अल्टर के साथ यहाँ पर से ये जो इसमें ये जो दिख रही है आपको एक्स्ट्रा पत्ती, ये हटाना है, तो हम क्या करेंगे, अल्टर के साथ यहाँ क्लिक करेंगे, हमें ब्लैक कलर चाहिए, अल्टर के साथ यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर इस तरह से हम इसको हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी जगह पर अगर अपन हीलिंग ब्रश को लेते तो क्या होता, आसपास का कलर सिलेक्ट करता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसमें। इसमें आप इस तरह से, आप कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पर कुछ, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। ये बस क्या करता है, आसपास का कलर सेलेक्ट नहीं कर करता। इसके अलावा जब आप इसको न्यू पेज पर लेकर जाते हो, कंट्रोल के साथ एन कर रहे हैं, यहाँ से हम कोई पेज साइज सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको इस पेज के ऊपर लेकर जाओ, ये पिक्चर बहुत बड़ी है, अपन दूसरी पिक्चर ले लेते हैं, जैसे कि ये पिक्चर है, इस पिक्चर को आप इस पे लेकर जाओगे क्लोन स्टैम्प टूल के द्वारा, तो हम यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ अल्टर के साथ क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसको इस पर उठाकर लेकर जाते हैं। आपने इसके ऊपर अल्टर के साथ क्लिक नहीं किया होगा, नहीं, क्लोन स्टैम्प टूल, इससे क्या होता है, आप एक जो पिक्चर रहती है उसका आप क्लोन बना सकते हो, वैसा का वैसा कोई भी चीज है उसका आप क्लोन बना सकते हो उसके लिए, हाँ, ठीक है। और पैटर्न स्टैम्प टूल ये वाला है, इससे आप किसी भी पिक्चर में पैटर्न डाल सकते हो। जब आप राइट क्लिक करोगे यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट करोगे, पैटर्न सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टूल बार में, यहाँ पर पैटर्न्स में अलग अलग पैटर्न आ जाते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न है जो पहले से ही है, कुछ आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर आप पैटर्न डाल सकते हो। अब वो पैटर्न कैसा आएगा, या आपकी पिक्चर से बड़ा आ सकता है, जैसे कि वो पहले जो आपने पैटर्न बनाया था वो पिक्चर छोटी थी, आपका पेज बड़ा है, तो वो इस तरह से आएगा, बहुत सारी पिक्चर्स आने लगेंगे, हाँ, पैटर्न बन जाए, पैटर्न में आ जाएगा। जैसे कि हम इस पिक्चर को उठाकर इस पे लगा सकते हैं इस तरह से। इसके लिए आपको पहले बताइए सौरभ क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करना है पिक्चर को, हमें इसको रोटेट करना है, साइज बड़ा करना है, कैसे करेंगे? कंट्रोल के साथ टी, हाँ सही, पहले अपन कंट्रोल टी करेंगे, ठीक है, ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप इसको बड़ा करना चाहते हो, बड़ा कर सकते हो, ठीक है। रोटेट करना है तो आप ऊपर की साइड माउस पॉइंटर लेकर जाओ, ये थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है क्या, हाँ आता है वो, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे तब ये ऑप्शन आते हैं, ये यहाँ पर आप इस तरह से रोटेट कर सकते हो, ठीक है, जितनी भी रोटेट करनी है यहाँ से कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे, हाँ वो ये वाले ऑप्शंस है, ये वाला, अच्छा आपको हॉरिजेंटली वर्टिकली करनी है, तो आप यहाँ से नंबर लिख सकते हो, जैसे कि आपको कितना करना है, लेकिन आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कितना आपको करना है, या फिर आपको ऐसे करना है, राइट क्लिक करो 180 डिग्री पर रोटेट करना है, 180 कर दिया, देखो यहाँ पर चेंज हो गया। अब आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसे 176 है, 0.0, इसको 6 को आप 7 कर दो, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये पूछ रहे थे क्या और कुछ, अच्छा हमें समझ में आ, देखो देखो आप ये बोल रहे हैं छोटा या बड़ा करते हैं तो हर ऐसी होने लगती है, लेकिन हम चाहते हैं कि पिक्चर वैसी है, वैसी की वैसी बड़ी या छोटी होनी चाहिए,
उसके लिए बताइए क्या करेंगे। सिर्फ की के साथ, ठीक है, सिर्फ की दबाएंगे और उसको इस तरह से खींचेंगे या छोटा करेंगे बड़ा करेंगे, यही पूछ रहे थे। नहीं तो आप क्या पूछ रहे थे, आप हमें बताइए, तब तो हमें समझ में आएगा। देखिए, अगर आप ऐसे इसको अगर हमने सिर्फ की नहीं दबाई है, ठीक है, अब हम इस पिक्चर को बड़ा करना चाहते हैं, तो साइड से खींचेंगे तो ये इस तरह से किसी भी शेप में चली जाएगी, हम इसका शेप चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है। या फिर आपने पूछा होगा, ये हमने बताया हुआ क्रॉप टूल, क्रॉप टूल पर क्लिक करोगे आप, हाँ क्रॉप टूल, हम इस पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं इतनी, ठीक है, लेकिन हम इसको तिरछा क्रॉप करना चाहते हैं, हाँ तो हम यहाँ से पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल पर क्लिक कर बिल्कुल देंगे और यहाँ से इसको इतनी सिलेक्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो ये तिरछी क्रॉप हो जाएगी। ये होता है क्रॉप टूल, होता है मतलब सिलेक्ट के लिए नहीं होता, ठीक है, तिरछा क्रॉप करने के लिए होता है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। बस आपको ये इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर पर्सपेक्टिव पर क्लिक हो, जब आप यहाँ से क्रॉप टूल सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है पर्सपेक्टिव, इस पर आप क्लिक करोगे, मतलब अभी सिलेक्ट नहीं है, तिरछा क्रॉप करने के लिए, ठीक है, इस ऑप्शन पर क्लिक करो, ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, आ गया। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, कल हमने बताया था किसी पिक्चर को, किसी पिक्चर में आप बॉर्डर बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जैसे कि ये पिक्चर है, मान लीजिए ये ही पिक्चर है, इसमें आपको बॉर्डर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल ए स्ट्रोक दे सकते हो, लेकिन स्ट्रोक के अलावा आपको कुछ अलग टाइप की डिजाइन देनी है, जैसे एमएस वर्ड में, एक्सेल वगैरह में अपन देते हैं, तो वो आप कैसे दे सकते हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है रेक्टेंगल मार्किंग टूल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और कितनी जगह में आपको बॉर्डर देनी है, यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, मान लीजिए इतनी सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से लेयर मेन्यू में, सिलेक्ट मेन्यू में जाएंगे, ठीक है, सिलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, अब इसके बाद यहाँ से हम मॉडिफाइड पर जाकर, बॉर्डर पर जाकर क्लिक कर देंगे, ठीक है, कितनी पिक्सल आपको, पिक्सल बतानी पड़ेगी आपको, कितनी मोटी बॉर्डर चाहिए या कितनी पतली चाहिए, तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, हम इसको कर देते हैं 10 और यहाँ से ओके कर देते हैं, बहुत पतली आएगी फिर भी हम जाते हैं, क्योंकि ये पिक्चर बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो अपन यहाँ पर फिर से जा रहे हैं सिलेक्ट पर, मॉडिफाई और बॉर्डर, ठीक है, 10 की जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं 50 और ओके, थोड़ी बहुत अभी भी बहुत पतली है, अपन पिक्चर चेंज कर दे क्या, इसी में ले लें, ठीक है, अल्ट्रा कंट्रोल डेट में जा रही है फिर चले, ठीक है, पहले अपन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जगह, कितनी जगह में आपको बॉर्डर चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी अपन ये साइड में जो एरिया है इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद किस में जाएंगे, सेलेक्ट में, सेलेक्ट में जाने के बाद मॉडिफाइड में और यहाँ से अपन जाएंगे बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर अभी अपन ने 50 दी थी, अब अपन और बढ़ा देते हैं, 100 कर देते हैं, पिक्सल्स में देना अपन ने कितना दे दिया, 100 पिक्सल्स। अब आप ये चीज का ध्यान रखना, अगर पिक्चर छोटी होगी तो आपको कम पिक्सल देने हैं, अगर ये पिक्चर बहुत ज्यादा बड़ी है इसलिए अपन ने इसको 100 पिक्सल दिया, आप पहले कम देकर देखना, अगर कम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो फिर आप पिक्सल्स बढ़ा देना, ठीक है, यहाँ पर 100 कर, इसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं, ये देखिए इस तरह से आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था पैटर्न स्टैम्प टूल, यहाँ से हम पैटर्न स्टैम्प टूल सिलेक्ट करें, ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से हम जो भी पैटर्न लगाना, मतलब बॉर्डर में हमें जो भी डिजाइन चाहिए, हम यहाँ से पैटर्न स्टैम्प टूल से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसको ड्रैग कर देंगे, आपको बस थोड़ा सा यहाँ पर इसको ड्रैग करना, हम पैटर्न चेंज कर देते हैं, कुछ अच्छा सा पैटर्न लेते हैं अपन, ये वाला, ठीक है, आप अगर चाहें तो ब्रश की साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से वैसे तो बहुत बड़ी है, और बढ़ा सकते हैं अपन, इस तरह से आप पिक्चर में बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक कर लो मैं, अभी क्या है बाहर बता दूंगी, अभी इतना समझ में आ गया,
इतना देना आ जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद अपन यहाँ पर मुफ्त में सिलाई करें। नहीं, पहले आप इस वाले पीस से जगह सिलेक्ट करो, एरिया सिलेक्ट करो, फिर इसके बाद अपन वहां जाएंगे सेलेक्ट में और यहाँ से मॉडिफाइड में जाकर बॉर्डर पर जाकर क्लिक करें। यहाँ पे हम एक और दूसरी पिक्चर में लेना बता देते हैं, ये पिक्चर बहुत ज्यादा बड़ी थी। अपन ने कल कुछ सेव किया था, कहाँ किया था? डिजाइन में किया था शायद, या फिर ई में कहाँ किया था? ई को याद है? चलो इसमें देखते हैं। नहीं, चलिए हम और कोई इमेज ले लेते हैं जिसमें हमें बॉर्डर बना थोड़ी अच्छी सी इमेज देते हैं, या फिर आप ऑनलाइन दे सकते हैं यदि आपके पास नहीं है, लेकिन आप इसमें दे सकते हैं। हम दूसरी लाइब्रेरी में देखते हैं जी, यहाँ पर चलिए ये ले, ठीक है? इस पिक्चर में आपको बॉर्डर बनाना, तो आप क्या करेंगे, पहले रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप यहाँ से थोड़ी कम जगह सिलेक्ट करोगे, ठीक है? ताकि अपनी आधी जगह में और बॉर्डर आ सके। सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, आप बाद में एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, या फिर आप एरो की से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है? अब इसके बाद हम इसमें जाएंगे सिलेक्ट मेन्यू में, इसके बाद हम जाएंगे मॉडिफाइड पर, माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, यहाँ पर साइड में ऑप्शन है बॉर्डर का, बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। अब देखो 100 पिक्सल आ रही है, अगर 100 पिक्सल ले लेंगे तो बहुत बड़ी बॉर्डर आ जाएगी। हम थोड़ा सा इसमें पिक्सल 20 कर देते हैं, ये देखो फिर भी बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है? और आप बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पैटर्न स्टैंड टूल या ग्रेडियंट टूल, जो भी आपको, अगर आप ग्रेडियंट टूल लोगे तो यहाँ से आप ग्रेडियंट ले सकते हो इस बॉर्डर के अंदर, जो भी आपको ग्रेडियंट लेना है, जैसे कि हमें ये वाला ग्रेडियंट चाहिए, और यहाँ से जाकर हम इसको स्मॉल फंबल कर लेते हैं, ठीक है? अब आपको जो भी, जैसे हमें ये वाला ग्रेडियंट चाहिए, हम इसके अंदर ड्रैग कर देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई भी एडिटिंग करोगे तो क्या होगा, सिर्फ इसी एरिया में एडिटिंग होगी, बाकी एरिया सिलेक्ट ही नहीं है, तो उसमें एडिटिंग ही नहीं होगी। इस तरह से आपको जो भी ग्रेडियंट लेना है, यहाँ से आप ग्रेडियंट ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? ये हम ऑप्शन आपको बताएंगे किस तरह से आप, ठीक है? इसके बाद यहाँ से हमने क्या कर दिया था, स्मॉल फंबल कर दिया, लार्ज फंबल आपको जो भी करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद ये लाइट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से इसकी जो कैपेसिटी थी वो कम कर दी, हम इसको बढ़ा देते हैं 100 ही कर देते हैं, ताकि ये हमारे पास डार्क आए, ठीक है? इस तरह से आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई पैटर्न में लेना है, तो आप यहाँ से पैटर्न स्टाइल टूल सिलेक्ट करिए, ठीक है? यहाँ से पैटर्न सिलेक्ट करिए, आपको जो भी इसमें पैटर्न लगाना है यहाँ से आप पैटर्न दे, ठीक है? इतना आ गया, कर लोगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम जा रहे हैं मूव टूल पर, ठीक है? मूव टूल सिलेक्ट करने के बाद ये इस तरह से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब मूव टूल सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अगर हमने इस पर राइट क्लिक करके कोई ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसको इसी पिक्चर के ऊपर किया है। अगर हम इसको दूसरे पेज पर लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके कुछ ऑप्शन आते हैं। अब हम अल्टर कंट्रोल जेड, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, अल्टर कंट्रोल जेड से नॉर्मल ही कर लेते हैं, ठीक है? अभी भी ऑप्शन नहीं आता, ठीक है? तो इस तरह से आप बॉर्डर बना सकते हो। अब आप एक चीज कर सकते हो, क्रॉप टूल सिलेक्ट करो, ठीक है? और यहाँ पर इस एरिया को, इसमें इस एरिया को यहाँ से क्रॉप करो, जो एरिया एक्स्ट्रा एरिया है उसको यहाँ पर जाकर सिलेक्ट करो, एंटर करो, क्रॉप हो गया। अब आप फाइल पर जाकर, सेव एज पर जाकर इसको सेव कर सकते हो। पहले वाली जो पिक्चर हमने ली थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी, ये वाली जो पिक्चर ली है वो बहुत ज्यादा छोटी है, इसलिए इस तरह से हो रहा है, ठीक है? लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड देना है, जैसे कोई कलर देना है नॉर्मल, तो वो दे सकते हो। अगर आपको कोई यहाँ से इस तरह से ये कोई ग्रेडियंट कलर देना है, या फिर इसके अलावा आपको कोई पैटर्न देना है, तो आप इस तरह से एक्स्ट्रा एरिया करके, मतलब एरिया सिलेक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज में बॉर्डर दे सकते हो। बस बॉर्डर वाला एरिया अपन सिलेक्ट कर लेंगे, इतना चौकोर एरिया सिलेक्ट कर लो, उसके अगर आपको क्या देना है, कलर देना है, ग्रेडियंट देना है, पैटर्न देना है, वो सब आप
कर सकते हो वहां पर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे की जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हम आपको बाद में बताया करेंगे, अभी हम अपने जो टूल्स हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कल हमने आपको यहाँ पर इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर, मैजिक इरेजर टूल हो गया है। ठीक है, अगला टूल ग्रेडियंट टूल था, हमने ग्रेडियंट टूल बता दिया। ठीक है, ग्रेडियंट टूल हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर ले सकते हो, कोई पेज में लेना है और किसी पिक्चर के बैकग्राउंड में लेना है वो भी हमने बता दिया था। आ गया था सभी को कि कोई पिक्चर है वहीं के वहीं आपको बैकग्राउंड में उसका उसमें ग्रेडियंट कलर लेना है। आ गया आपको भी? आ गया नहीं, कल नहीं बता, उसके पहले क्लास में दोबारा वो है पेंट बकेट टूल, उससे आप किसी भी जगह पर कोई पेंट कर सकते हैं, जैसे कोई कलर फिल कर सकते हैं, वो कलर फिल करने के लिए पेंट को बता, वो वाला हम बताया नहीं, बताएंगे हम। जैसे कि वो जो हमने उस दिन बॉर्डर देना बताया था ना आपको, स्ट्रोक देकर राइट क्लिक कर कर, जैसे कि आपको कोई पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है, जैसे ये है पासपोर्ट साइज फोटो, इसको आपको पासपोर्ट साइज में बॉर्डर देना है, तो क्या करेंगे, पहले तो आप इसको क्रॉप करो। क्या पासपोर्ट साइज फोटो इतना ही रहता है, थोड़ा सा छोटा रहता है, तो पहले अपन, अगर ज्यादा बड़ा है उसको एडजस्ट कर लेंगे, जितना रहता है अपन उतना क्रॉप कर लेंगे पासपोर्ट साइज को। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से इतना एरिया रहता है, इतना बहुत ज्यादा एरिया है, एंटर करके क्रॉप कर लेंगे। अब इसके बाद आप यहाँ से ये वाला टूल सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे पहले सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लो या फिर सिलेक्ट ऑल, फिर इसके बाद राइट क्लिक करके स्ट्रोक का ऑप्शन आता है, या तो आप यहाँ से स्ट्रोक ले लो या फिर आप यहाँ से स्ट्रोक ले लो, दोनों इसी ऑप्शन है। ठीक है, स्ट्रोक पर जाएंगे, यहाँ से हम स्ट्रोक दे देंगे पहले 20, पहले ज्यादा देंगे, जैसे कि हम स्ट्रोक कौन सी दे रहे हैं, कलर सिलेक्ट करेंगे पहले, हम देंगे पहले ब्लैक। ठीक है, इसको अपन यहाँ से इनसाइड कर देंगे। ठीक है, ओके ब्लैक आ गई, अब अपन को देना है वाइट, तो फिर से अपन राइट क्लिक करके स्ट्रोक या तो वहां से ले सकते हो यहाँ से, अब यहाँ से आधी कर देंगे स्ट्रोक, अपन कर देंगे 10, कलर इसको अपन बहुत सबसे ऊपर खिसका देते हैं। ठीक है, यहाँ से वाइट पर क्लिक करेंगे ओके, और यहाँ से इनसाइड नहीं रहने देंगे ओके। ठीक है, इस तरह से आप बॉर्डर ले सकते हो। आ गया, ठीक है, नाम लिखना और इसमें आपको बैकग्राउंड हटाना है वो सब हमने बता दिया था। ठीक है, टेक्स्ट टेक्स्ट पहले आप यहाँ से राइट क्लिक करके रेक्टेंगल टूल लेंगे, टेक्स्ट अपन को नॉर्मल जगह पर लिखना है, टेक्स्ट टूल लेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जगह। ठीक है, ये जगह सेलेक्ट करने के बाद फिर टेक्स्ट टूल लेंगे, क्यों, अगर आप ऐसे पे लिखना चाहते हो तो ऐसे पे लिख सकते हो, लेकिन हम इसको पहले बॉक्स को रेक्टेंगल टूल लेंगे, यहाँ से अगर कलर और कोई सा आ रहा है तो आप यहाँ से देख लेना, व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से टेक्स्ट टूल लेंगे, जगह सिलेक्ट करेंगे और फिर लिख देंगे। टेक्स्ट टूल का हमें बता दिया, अगर आपको साइज कम करना है, जैसे हमें साइज का करना है, वैसे नॉर्मल जो साइज का 11, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे मैम, मैम लिखा तो रहा है लेकिन दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैम का कलर भी व्हाइट है। सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, कलर चेंज कर लेंगे, जो भी कलर लेना है ब्लैक व्हाइट जो भी लेना। ठीक है, यहाँ पर नाम लिख देंगे पहले तो, ठीक है, एंटर करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे देश। ठीक है, सही सही करना है, जब तक सिलेक्ट है तब तक आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो, ये जो चौकर ब्रॉक्स बन रहा है अगर ये हट जाएगा फिर आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, हम कहीं बाहर क्लिक कर देंगे, जैसे कि हमने मूव टूल सिलेक्ट कर लिया, ये बन चुका है। अब देखना यहाँ पर आपने क्या लिया, एक शेप लिया है, चौकोर बॉक्स लिया है, रेक्टेंगल ब्लॉक, और एक लिया है नेम। जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे, नेम और डेट। अगर आपको नेम सिलेक्ट करना है, मतलब इसमें कोई एक्टिंग करनी है, तो ये सिलेक्ट करो, उठाकर कुछ खिसकाना है या कुछ करना है। अगर आपको बॉक्स में कोई एडिटिंग करनी है तो राइट क्लिक करो, शेप सिलेक्ट करो। अगर आपको पिक्चर में कोई एडिटिंग करनी है तो बैकग्राउंड सिलेक्ट करो। देखो हम यहाँ से क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, बैकग्राउंड। अब हम
यहाँ से अगर कुछ करेंगे, जैसे हमने इसमें बाकी सब रह गया पीछे वाले में हो गया, क्यों? क्योंकि हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, मूव टूल से ही होगा ये, राइट क्लिक करेंगे, शेप पर सेलेक्ट करेंगे तो क्या सेलेक्ट हो जाएगा, ये तो हमने बॉक्स दिया था वो, उसको आप खिसका सकते हो, एडिट कर सकते हो, जो भी आपको करना है उसमें वो कर सकते हो, लेकिन इसका कलर आप चेंज नहीं कर सकते हो आप, ठीक है? अगर आपको दूसरा कलर का चाहिए तो आपको यहाँ से दूसरा कलर लेना, दूसरा बॉक्स लेना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद अगर आपको नेम को खिसकाना है, कुछ करना है, तो आप नेम सेलेक्ट करो, नेम सेलेक्ट हो जाएगा, एक मिनट, नेम नहीं हुआ सेलेक्ट, ये इस तरह से नेम सेलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आप इसमें इसको उठाकर कहीं रखना है तो वो कर सकते हो, ठीक है? अब आपको इसको सेव करना है तो फाइल पर जाकर सेव ऐसे आप इसको सेव कर सकते हो, फॉर्मेट क्या रखोगे, JPEG, ठीक है? अब इसके बाद कलर में आपको बताया था यहाँ पर ग्रेडियंट टूल, अगर आपको ग्रेडियंट टूल में कुछ कलर वगैरह चेंजेस करने हैं तो अभी इतने ही आ रहे हैं आपके पास, अगर आपको और कलर लेने हैं यहाँ से तो आप क्या करोगे, हम यहाँ से स्मॉल कर देते हैं इसको, यहाँ पर क्लिक करो, जिसमें भी आपको कलर चेंजेस करने हैं क्या करोगे आप, यहाँ पर जाओगे, जैसे कि हमें इसमें कलर चेंज करना है, क्लिक करेंगे, ठीक है? एक मिनट, यहाँ पर ही क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? कौन सा वाला ग्रेडियंट, इनमें से आपको फिर चूज करना पड़ेगा, जैसे हमें इस ग्रेडियंट में चेंज करना है इस पे क्लिक करेंगे, इस ग्रेडियंट में चेंज करना है इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर नीचे वही ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है? मान लीजिए हमने ये वाला ग्रेडियंट सेलेक्ट किया, ठीक है? अब इसके बाद ग्रेडियंट टाइप, इसका नाम है सॉलिड, इसमें यहाँ से नेम हो रहा है इसका, ठीक है? ग्रेडियंट टाइप का है, टाइप क्या है, सॉलिड, यहाँ से आप नॉइज या फिर सॉलिड सिलेक्ट कर सकते हो, नॉइज सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे, अगर आप सॉलिड सिलेक्ट करोगे तो इस तरह से ऑप्शन आएंगे, सॉलिड मतलब आपको ओनली एक ही कलर चाहिए, तो यहाँ से आप कलर कम ज्यादा कर सकते हो, ये जैसे कि आप इस तरह से कुछ चाहते हो, आ रहा है समझ? अगर आप इसको खिसकाओगे तो इससे क्या होगा, इसका डायरेक्शन जो कलर आ रहा है वो चेंज होगा, ठीक है? यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि फॉरग्राउंड, दो कलर आते हैं, एक फॉरग्राउंड एक बैकग्राउंड, बैकग्राउंड यानी कि पीछे वाला कलर, फॉरग्राउंड यानी ऊपर वाला कलर, बैकग्राउंड में कलर चेंज करना है, यहाँ पर रेड है मतलब पिंक है, जो भी आपको कलर लेना आप ओके कर दो, यहाँ पर वो हल्का सा कलर आ जाए, ठीक है? इस तरह से आप इसे अगर डिलीट करना है डिलीट हट जाएगा कलर, ठीक है? अगर इसके अलावा आप यहाँ से नॉइस सिलेक्ट करोगे तो कलर आ गए, अब आप इसमें कुछ कलर मिलाकर थोड़ा सा इसमें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा ये तो अपन ने नॉर्मल लिया था, अगर आप कोई कलर वाला लेते हो, जैसे कि हमने ये वाला, ठीक है? अगर आपको नॉर्मल चेंजेस करना है, जैसे कि हमने यहाँ से रेड कलर को इधर चाहते हैं, तो ये ब्लू कलर है इसमें इसको बीच में चाहते हैं, येलो कलर है उसको हम यहाँ चाहते हैं, लेकिन आएंगे तीन ही कलर, अब जिस कलर को आप जहाँ चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ब्लू कलर की जगह पर और कौन सा कलर चाहते हैं तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी कलर लेना चाहते हैं वो कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ से देखिए हल्का सा कलर आ गया, ठीक है? अब इसके बाद फिर से हम इसको खिसका देते हैं, यहाँ से फोरग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, कौन सा कलर लेना है आपको, जो भी कलर लेना है सेलेक्ट करो, ओके कर दो, हल्का सा यहाँ पर कलर ऐड होता जाएगा, पूरा नहीं होगा चेंज, हल्का सा कलर ऐड होता जाएगा, ठीक है? लोकेशन आप देखिए यहाँ से आप चेंज करोगे, लोकेशन चेंज हो रही है, मतलब इस साइड हल्का सा लाइट और डार्क होता है, ज्यादा अंदर नहीं होता, ठीक है? ये इस तरह से अपन इसको पढ़ा देते हैं OPCP को, तो ये नॉर्मल अच्छे से कर लो, ठीक है? अगर आपको रखना है तो ओके कर दो, जैसे आपने इसमें कोई एडिटिंग कर ली, कोई चेंजेस कर दिया ओके कर दो, अगर नहीं करनी कोई चेंजेस तो फिर यहाँ से कैंसिल कर दो, तो चेंजेस नहीं होंगे, कर लोगे, ठीक है? इतने में अभी अभी जो अपन ने पढ़ाई कुछ डाउट है, कल से हम पूरा अपने जो आगे के जो टूल्स बचे हुए हैं वो रिवाइज करा देंगे, फिर इसके बाद जो अदर बचेगा वो आपको पढ़ा देंगे, ठीक है? कुछ पूछना है अभी?
ऊपर ये वाला जो ऑप्शन है ये इरेजर टूल का यूज किया जाता है, कोई चीज आपको मिटानी है इरेज करनी है, इरेजर टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट होना चाहिए जैसे कि राइट क्लिक बैकग्राउंड सिलेक्ट, ठीक है इरेजर टूल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है इरेज हो रहा है। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है इरेजर का कलर इस पे डिपेंड करता है, ये जो पीछे कलर सिलेक्ट है बैकग्राउंड कलर, अगर यहाँ पर कलर के जो भी कलर है जैसे कि ये कलर है और आपने इरेजर टूल सिलेक्ट किया तो इसी कलर से इरेज होगा, ठीक है कोई भी चीज इरेज करनी है। अगर यहाँ पर कोई सा कलर सिलेक्ट है जैसे कि आपने इस पर ये वाला कलर सिलेक्ट करा अब ये वाला, ठीक है इसके अलावा अगला है बैकग्राउंड इरेजर, इस पर इससे आप बैकग्राउंड समेत इरेज कर देता है, यानी बैकग्राउंड यानी इसके पीछे जो कलर होगा जैसे कि अभी तो क्या कर रहा था वो इरेजर का जो कलर है वो पर करने का है, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड इरेज कर दोगे तो क्या होगा बैकग्राउंड ही नहीं है आपको, ये जो चैट दिख रहा है ये कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसका मतलब है इसने बैकग्राउंड समेत उसको इरेज कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगला है इसमें मैजिक इरेजर, मैजिक इरेजर क्या करता है जैसे कि आपने कुछ टूल्स पढ़े हैं अपन ने इसमें, ये मैजिक रिकॉर्ड टूल ये क्या करता है एक जैसा पिक्सल सिलेक्ट करता है, तो इसी तरह से मैजिक इरेजर क्या करता है आप क्लिक करते हो तो एक जैसा एरिया एक जैसे कलर वाला जो एरिया रहता है उसको वो इरेज कर देता है, ठीक है कर लोगे और कुछ डाउट है, ठीक है एक जैसा जो भी कलर होता है इसको एक तरह से धीरे धीरे करके इरेज करता है, क्लिक करते जाएंगे इरेज करता है, आ गया समझ में आ गया अश्विन, ठीक है ये देखिए एक जैसा जो भी एरिया उसको इरेज कर दिया, बाकी जो अलग कलर का एरिया था अलग पिक्सल थे उसको छोड़ दिया है, उसको भी आपको करना है इरेज, तो आपको एक एक करके उस सब पर क्लिक करना पड़ेगा तो इरेज कर देगा, एक मैजिक इरेजर भी बैकग्राउंड मतलब जो भी बैकग्राउंड है उसके साथ ही इरेज कर देती है, पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं बचता है, ठीक है तो इस तरह से आप इरेजर टूल्स का यूज कर सकते हैं।